हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 40। और एमएससी की इस सीरीज़ में अभी हम सीख रहे हैं जेक्वेरी के बारे में। तो इससे पहली वीडियो में हमने सीखा था जेक्वेरी की हेल्प से आप डेटा को गेट कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जेक्वेरी की हेल्प से, जो कि हम एजेक्स यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली एजेक्स की हेल्प से आप डेटा को पोस्ट कैसे कर सकते हो अपने व्यू से कंट्रोलर के ऊपर। और इसका फ़ायदा होता है जब आपको कोई चीज़ें अपडेट करनी है या फिर आपको कोई रिकॉर्ड नया ऐड करना है, तो तब उस केस में आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली डेटा भेजना होता है व्यू से कंट्रोलर के ऊपर। तो उसी के लिए आज हम देखते हैं वो सारी चीज़ें कैसे कैसे हम सीख सकते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। पोस्ट मेथड बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि एजेक्स के अंदर क्या होता है और डेटा को हम कैसे भेज सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम हर बार चीज़ें सीखते हैं तो बीच में आती रहती हैं, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए सीखते हैं पोस्ट मेथड के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ, और बिल्कुल बेसिक सी एप्लीकेशन है। अगर आपने नई नई बनाई है तो आप नई बना लो। ये मैंने जो पुरानी वीडियो में गेट वाला किया था काम, ये वही है। बेसिकली कुछ भी ज़्यादा काम नहीं हुआ अब तक इसमें। होम कंट्रोलर के अंदर दो मेथड्स हैं, ठीक है, ये गेट के लिए यूज़ किया था, पोस्ट के लिए हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे सब कुछ। और इंडेक्स मेथड के ऊपर अभी यहाँ पे व्यू के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो मैं सब कुछ यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल ब्लैंक है। और ये हमने जो गेट वाली स्क्रिप्ट थी ये वही लिखी हुई है। तो चलो इसके लिए हम नए पोस्ट के लिए दूसरा बनाएंगे एक, तो मैं इन सभी को अभी के लिए हटा देते हैं। मतलब आपको कुछ भी ऐसा, अगर आपने ये वीडियो अभी देखना शुरू किया हुआ है तो भी आपको सब कुछ इसमें समझ से आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या मतलब करना क्या होता है, बेसिकली हम चाहते हैं कि हम डेटा को व्यू से कंट्रोलर के ऊपर भेजें, यानी कि हमारे पास में बेसिकली कोई फॉर्म होना चाहिए। तो हम एक फॉर्म बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर मैं दो तीन फील्ड्स रख लेता हूँ, जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने तीन टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, स्टूडेंट आईडी, ये पहले वाला आईडी के लिए है, दूसरा नेम के लिए है और तीसरा ईमेल के लिए है। तो इसमें डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा सा कर देते हैं, एक एक बी आर मोड डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा देखने में सही लगेगा, ठीक है। और एक लेते हैं बटन, तो बटन जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था, इनपुट टाइप बटन। देखिए इसमें आप सिंपल बटन भी ले सकते हो। सबमिट बटन होने से क्या होता है, सबमिट बटन अपने आप ही फॉर्म को पोस्ट कर देता है, ठीक है। तो उस जब अगर आप यहाँ पे सबमिट बटन लोगे तो पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसीलिए इस वजह से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप सिंपल बटन लेते हैं, और उस सिंपल बटन के लिए हम एक ऑन क्लिक इवेंट के लिए एक फंक्शन लिखेंगे, जिसकी हेल्प से हम एजेक्स का यूज़ करते हुए डेटा को व्यू से कंट्रोलर के ऊपर भेजेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे मैंने सिंपल बटन का यूज़ किया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या है, सेंड डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मतलब बस इतना सा, तो ये बेसिकली क्या हुआ, छोटा सा फॉर्म है, तीन मैंने यहाँ पे ये डाले हैं। आप चाहो तो चेकबॉक्स वगैरह जितना भी आपको करना है आप वो सब कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो मतलब इतना सा काम किया है। अब एक नया फंक्शन बना लेते हैं इस सेंड डेटा के लिए, कैसे, यहाँ पे जाओ, देखो जब मैंने ये गेट के लिए बनाया था मैं इसी का रीनेम कर देता हूँ, ठीक है, सबमिट फॉर्म, सपोज जो फंक्शन आपको नाम सुटेबल लगे वो आप कर लोगे। अब यहाँ पे हमें ये गेट वाला था, एक नया फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे ऐड के लिए, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे किया, और जैसे हम पुराने वीडियोस में करते थे, हमें डेटा को यहाँ से लेना होता था तो क्या करते थे, यहाँ पे मॉडल को एज ए पैरामीटर लिखते थे हम। तो मॉडल हमारा क्या है, स्टूडेंट और नाम इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे रिटर्न वन, मतलब वन तो वही है आप बेसिकली, अच्छा जेसन रिटर्न करना था, आपको जेसन के अंदर ही सब कुछ लिखना पड़ेगा ये। और सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू, उसका बिहेवियर हम पास करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउ गेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा लूँगा कि मतलब देखेंगे कि क्या सब कुछ सही है या गलत है, उन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद में आपको पता लग जाएगा डेटा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एजेक्स मेथड मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे यूआरएल क्या चेंज हुआ है, ऐड स्टूडेंट के नाम से, तो आप इस यूआरएल को अपडेट कर दोगे। यूआरएल देखो क्या हुआ है, होम ऐड स्टूडेंट, तो होम कंट्रोलर है और ऐड स्टूडेंट उसका मेथड है। अब आगे चलो, मेथड का टाइप अब क्या है, हम डेटा सेव कर रहे हैं तो हम कैसे बनाते हैं मेथड को, पोस्ट टाइप का बनाते हैं।
पोस्ट टाइप बनाने के लिए एचटीटीपी पोस्ट यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे एमवीसी के अंदर आप यूज़ करोगे तो एचटीटीपी पोस्ट लिखा जाएगा, बट अगर आप अपने व्यू के ऊपर उसका यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको केवल पोस्ट लिखना होता है। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, आप कैप्स में भी लिख सकते हो, उसमें कोई मतलब ऐसा इशू नहीं आएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को हमें गेट करना है, मतलब यहाँ से फैच करना है, और फैच करने के बाद में इस वाले मेथड के ऊपर हमें डेटा को भेज देना है। तो एक मेथड और बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे बटन क्लिक का, ठीक है। तो बटन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा अब तक ऊपर जो ये पूरा लिखा है फॉर्म, उसका डेटा मुझे फैच करना है। कैसे कर सकता हूँ मैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आईडी निकालनी पड़ेगी। वेयर आईडी इक्वल टू क्या होगा, वैसे मैंने आपको बताया तरीका, डॉलर उसके बाद में ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ये, और आईडीज़ की, आईडी क्या है हमारी, स्टूडेंट आईडी यानी कि एसटीडी आईडी, इसको पेस्ट कर देते हैं, डॉट वेल, ऐसे करके आईडी यहाँ पे इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। सेम ऐसे ही हमें दो की और निकालनी है, दोनों क्या, दूसरा क्या है नेम, और तीसरा क्या है हमारा ईमेल, इनकी आईडी को भी चेंज कर देते हैं, ये मैंने किया और ये एक और मैंने किया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, बेसिकली जब आपको यहाँ पे डेटा को भेजना होगा तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट साथ में जाएगा जो बॉडी में जाएगा, तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कैसे, वेयर ओबीजे, इसमें ऑब्जेक्ट बनाना बहुत सिंपल होता है, बस इतना सा करो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आपको वहाँ पे क्या क्या चाहिए, आईडी चाहिए, आईडी के अंदर क्या चाहिए हमें, ये वाली आईडी जो हमने ऊपर बनाई है अभी यहाँ से। दूसरा क्या है नेम, नेम के अंदर हमें क्या चाहिएगा नेम, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है ईमेल, और ईमेल के अंदर क्या आएगा ईमेल। देखो ये वाली प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं जो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में स्टूडेंट के अंदर ले रखी हैं, अगर मैं आपको इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मैंने जो ले रखी हैं तीनों, ये वही है, मैंने यहाँ पे यही वही यूज़ किए हैं तीनों, क्योंकि ये अपने आप मैप कर देता है इस आईडी, ये आईडी उस वाले आईडी के अंदर जाके सेट हो जाएगी। और ये आईडी कौन सी है जो हमने यहाँ से ऊपर फैच की है, कहाँ से, उस फॉर्म के अंदर से। तो फॉर्म का डाटा मैंने यहाँ पे ऐसे वन बाई वन करके गेट किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पास करेंगे, इस वाले दूसरे मेथड के अंदर, और मैं यहाँ से सबसे पहले हम इसमें इसको कॉल करेंगे, सबमिट फॉर्म, यहाँ से इसको कॉल करेंगे। और इसके बाद में जो ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पास कर दो, ठीक है। अच्छा देखो, जब हमें डेटा को बॉडी में भेजना होता है तो उसका सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे डेटा, फिर कॉलन, और जो भी ऑब्जेक्ट आपको भेजना है, जो डेटा आपको यहाँ पे भेजना है वो, और कोमा, बस इतना सा करना होता है। तो क्या क्या चेंज हुए हैं अब तक, यूआरएल को मैंने चेंज किया हुआ है, मेथड मैंने गेट था पहले उसको पोस्ट बना दिया, डेटा मैंने क्या किया, जो हमने ऊपर से डेटा को हमने रीड किया है पूरा, वो इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पास कर देता हूँ, इस वाले फंक्शन के अंदर। अब ये करने से क्या होगा, पूरा एक बार फ्लो समझते हैं। सबसे पहले बटन पे क्लिक होगा, ठीक है। इस बटन क्लिक को हम कहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ से मैं कॉल कर देता हूँ, ऑन क्लिक। अब आप पूरा कोड समझिए, सबसे पहले क्या होगा, एक एचटीएमएल के अंदर पूरा फॉर्म बनाया, वहाँ पे एक बटन हमने ले रखा है, इस बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये बटन क्लिक वाला फंक्शन कॉल होगा। चलिए इस पे चलते हैं, बटन क्लिक वाले के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम वैल्यूज़ को चेक करेंगे, आईडी, नेम, ईमेल, जो भी आपने लिखा हुआ है हम उसको चेक करेंगे सबसे पहले, सो हमने गेट किया। अब अगर आपको इसको वैलिडेट करना है तो यहाँ पर आप वैलिडेशंस भी लगा सकते हो, जैसे कि आईडी मतलब एंटर की है, नेम सही है, ईमेल सही फॉर्मेट में है, तो वो भी अगर आप मैनुअल अपना कुछ वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। उसको करने के बाद में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे करके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या क्या लिया, जो चीज़ें मुझे भेजनी है वो मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख की, आईडी, नेम, ईमेल, डेटा मैंने तीनों का सेट कर दिया। इसके बाद मैंने सबमिट फॉर्म को कॉल किया, सबमिट फॉर्म में क्या है, एजेक्स फंक्शन लिखा हुआ है, इस एजेक्स फंक्शन के अंदर यूआरएल मैंने डाला, मेथड को मैंने पोस्ट टाइप का बनाया, और डेटा ये क्या है, जो डेटा बॉडी में जाएगा एक्चुअल डेटा ये वो है, और इसके अंदर हमने क्या पास किया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे वही, अगर हमें सक्सेस आ जाती है तो हम यहाँ पे, चलो मैं इसको एक बार अलर्ट कर देता हूँ, और क्या करेंगे अलर्ट हम डेटा को, ठीक है। और बस अब हमें पता लग जाएगा कि हमारा डेटा सेव हो रहा है, मतलब वहाँ पे जा रहा है नहीं जा रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे आप डेटाबेस ही कॉल्स लगाते हो,
तो पुराने वीडियोस में हमने सीखा था कि एनडीटी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए आप डेटा को कंट्रोलर के बाद से कैसे सेव कर सकते हो। तो सेम आपको पूरा प्रोसीजर वही रखना है जो हमने पुराने वीडियोस में कवर किया था, बट यहाँ तक डेटा मैं आपको लाके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब चलो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो वही फॉर्म पूरा बन के आया, आईडी, नेम, ईमेल, ठीक है, और सेंड डेटा। तो आईडी डाल देते हैं कुछ भी, 1 2 3। नेम मैं डाल देता हूँ अपना, ठीक, और ईमेल डाल देता हूँ मैं, NITISH.webcentral@gmail.com, ठीक है, और सेंड डेटा पे क्लिक करते हैं। अब देखोगे यहाँ पे, अच्छा ये हटा देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हमने लगा रखा है, तो इसलिए डेटा यहाँ पे आया। और देखो डेटा इसके अंदर आया है कि नहीं आया है, वो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आया है। तो ईमेल के अंदर ईमेल, आईडी के अंदर 1 2 3, और नेम के अंदर नीतीश, जो वहाँ से हमने पास किया होता। अब आप इस डेटा को जैसे पूरा वही चेक कर देते हैं, मोड दिस डॉट इज़ वैलिड, अगर वैलिड है तो वहाँ से आप उसको आगे अपना डेटा इसमें सेव करो, अगर नहीं है तो यहाँ पे जो आपको एरर रिटर्न करनी है वो काम आप यहाँ से कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे क्या आया, ट्रू। तो वहाँ से क्या बात हमने किया था, ट्रू, तो यहाँ पे अलर्ट में क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट भी दिखाऊँ तो डेवलपर टूल अपना ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं नेटवर्क के अंदर, और मैं फिर से क्लिक करता हूँ, तो देखो वहाँ पे चलते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एड स्टूडेंट के नाम से हुआ। अब ये पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग क्यों है, क्योंकि वहाँ से पूरी रिटर्न नहीं हुई है। तो एक बार इसको यहाँ से भेज देता हूँ मैं, और अब दिखाता हूँ आपको, तो एड स्टूडेंट में क्या हुआ, हेडर के ये देखो सारी चीज़ें क्या क्या गई है, इस वाले यूआरएल को हिट किया गया, ये टाइप था पोस्ट, स्टेटस कोड क्या हुआ, 200, ओके, रिमोट एड्रेस ये हुआ, ये सब कुछ, कंटेंट टाइप आपका एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ये नहीं लिखते हो तो ये अपने आप डिफ़ॉल्ट ले लेता है, तो यहाँ पे देखो ये डिफ़ॉल्ट ले रखा है, और सब कुछ सेम चीज़ जो भी आपको था वो सारी चीज़ें। अब जो डेटा आपने भेजा था वो डेटा यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर है, ये देखो व्यू सोर्स के अंदर आप चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो, पार्स करके भी देख सकते हो, मतलब ये अपने उसको उस डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है जब उसको पार्स करते हो तो। ठीक है, तो आईडी ये सब कुछ, और ठीक है टाइमिंग्स आप यहाँ भी देखना चाहो टाइमिंग्स, तो ये सब बेसिकली ऐसे काम करता है। ठीक है, और ओके प्रेस करता हूँ मैं, आप यहाँ पे देखोगे तो रिस्पॉन्स भी आ गया है, क्योंकि ये बीच में मतलब अब तक पूरा नहीं हुआ था, उसके बाद में ओके करना था हमें। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हो। अच्छा, ये अगर आप चाहते हो कुछ डोनेट करने के लिए तो यहाँ पे आप मुझे डोनेट कर सकते हो, बेसिकली इसकी ज़रूरत होती है इस चैनल को मेंटेन करने के लिए। अगर आप नहीं चाहते हो डोनेट करना तो आप वीडियो को देखते रहिए, आप सीखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखते हैं एजेक्स फॉर्म्स के बारे में। तो अभी तक तो हमने मैनुअल जेक्वेरी का यूज़ किया था, इसके अलावा एमवीसी भी आपको इसमें कुछ और देता है, तो क्या देता है वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।